अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कि फेसबुक की सेटिंग को हमें कहाँ रखना चाहिए जिससे हमारे फॉलोअर्स भी बढ़ते रहें और फेसबुक के तमाम तर सार्फिन हमारी पोस्टों को देख सकें। आमतौर पर यह होता है कि जब हम अपनी सेटिंग को फ्रेंड ऑफ फ्रेंड या कि फ्रेंड पे सेट करते हैं तो फिर हमारी जो प्रोफाइल पे कोई भी यूज़र जो कि हमारा फ्रेंड नहीं होता, जब वो आता है तो उसे हमारी प्रोफाइल कवर फ़ोटो और उसके अलावा जो हमारी जब से हमने आईडी बनाई होती है उसकी डेट वगैरह, बर्थडे वगैरह वो वहाँ पे दिखाई देती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देता या कि टैग्स वगैरह जो होते हैं वो दिखाई देते हैं, तो जो मरासले होते हैं वो उन्हें दिखाई नहीं देते। इसके लिए सेटिंग में आपने जाना है, ये यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी में आपने जाके तो दोबारा यहाँ पे सेटिंग में आना है और उसके बाद आपने आपको ये तीन ऑप्शन देगा, यहाँ पे आपने आ जाना है पब्लिक पोस्ट पे। यहाँ आपने तीनों ये ऑप्शन जो हैं वो कैन फॉलो मी, इसे भी पब्लिक पे कर देना है, उसके अलावा पब्लिक पोस्ट कमेंट्स, इसे भी आपने यहाँ पब्लिक पे करना है, और उसके अलावा पब्लिक प्रोफाइल इन्फो को भी आपने पब्लिक पे करना है। अगर आप इसे यहाँ पे करेंगे फ्रेंड ऑफ फ्रेंड में तो आपके मरासले सिर्फ और सिर्फ आपके दोस्त और आपके दोस्तों के दो देख सकेंगे, और अगर आप यहाँ पे फ्रेंड पे करेंगे तो आपके सिर्फ जो आपके साथ ऐड हो गए वही देख सकेंगे, जिन्हें आपके फ्रेंड देख सकेंगे। अगर आप ख्वातीन हैं और आप अपने आप को सेव रखने के लिए इस तरह करते हैं कि जो लोग आपके जाने वाले हैं या जिनको आप ऐड करती हैं तो आपके मरासले वही देखें, तो फिर बेहतर है कि आप यहाँ पे फ्रेंड पे तमाम सेटिंग जो है उसे फ्रेंड पे करें। और अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक के तमाम सार्फिन आपकी पोस्टों को देखें तो फिर आपको ये तमाम तर सेटिंग पब्लिक पे ही करनी चाहिए। इससे आपके फॉलोअर भी बढ़ते हैं और आपका शेयर का बटन जो है वो भी शो होता है और आपकी पोस्टें लोग शेयर भी करते हैं। शेयर करने से फ़ायदा ये होता है कि उनके जो दोस्त हैं वो देखते हैं, अगर आपकी पोस्ट अच्छी है तो वो आपको फॉलो कर लेते हैं। जब आप यहाँ पर कुछ स्टेट्स लगाते हैं तो यहाँ पर भी आपको ये ऑप्शन देता है, जब यहाँ पे आप लिखते हैं या कि कोई पिक्चर अपलोड करते हैं तो उसके बाद जब आप इसे अपलोड करने के लिए शेयर पे जाते हैं तो ये दो ऑप्शन आपको यहाँ पर देता है, न्यू फीड ये पब्लिक पे है और नीचे जो है योर स्टोरी फ्रेंड्स, तो नीचे वाले जो हैं वो सिर्फ आपके फ्रेंड देख सकेंगे और ऊपर अगर आप करेंगे तो इसे पब्लिक देख सकेंगे, मतलब तमाम सार्फिन इसे देख सकेंगे, तो ऊपर वाला बेस्ट रहेगा। फिर उससे नीचे ये आपको यहाँ पर टैग करने के लिए आपके फ्रेंड दिखा रहा है, तो टैग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि वो अपने लाइक बढ़ाने के लिए ये समझते हैं कि टैग करने से हमें कोई फ़ायदा होगा या ज़्यादा लाइक मिलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक फजूल सा ख्याल है। तो अपनी सेटिंग को पब्लिक पे रखने से आपके फॉलोअर भी बढ़ेंगे और आप ये पोस्ट को तमाम तर लोग जो जितने भी फेसबुक सार्फिन हैं वो देख सकेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा।